सनराइज रेडियो के मीडियम पर, दिल के साजों के सरगम पर, सुनिए लेकर आई दिल से महफिल खूब सजाई दिल से, मीठे मीठे बोल वो बोले, अमृत रस कानों में घोले, नखट चंचल शोख अंदाज, जादू भरी इस पर आवाज, दुखी दिलों को हंसना सिखाए, पिछड़े हुओं को मिलना सिखाए, दिलजोई सबकी है करती, प्यार खुलूस का है दम भरती, खूबसूरत है लहजा उनका, घर घर में है चर्चा उनका, ध्यान ज्ञान के हीरे मोती, शब्दों में है खूब पिरोती, लेकर आ गई महफिल दिल से, मिलते जहां पर हैं दिल दिल से, सुनकर जिसको सब सामाईन कहते हैं आफरीन आफरीन, हाजिर हैं सोफिया यासीन, सोफिया यासीन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप समाप्त फरमा रहे हैं आपका अपना मनपसंद सनराइज रेडियो 103.2 FM पर, साथ साथ सुनते हैं पूरी दुनिया में, साथ निभाते हैं www.sunrise.radio.fm के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके समात और मोहब्बतों प्यार और खलूस का। यूँ तो हमारा प्रोग्राम पंजाबी का होता है आज के दिन, लेकिन आज आपको पता ही है कि सारा दिन स्पेशल प्रोग्राम चलते रहे हैं ख्वातीन के हवाले से। ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है सनराइज रेडियो पे, तो इस मौके पर आज हमारा प्रोग्राम भी दिल से होगा। आप सबकी मोहब्बतों प्यार और खलूस का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को, जितनी भी ख्वातीन हैं, उनको आज के इस खूबसूरत से दिन के मौका पर मुबारकबाद पेश करते हैं यौम ख्वातीन के मौका पर। और जितनी भी ख्वातीन हैं, वो चाहे घर पे हों चाहे बाहर काम करती हों, सभी अपनी अपनी जगह पे एक ख़ास अहमियत की हामिल हैं और सभी में कुछ ना कुछ तो ख़ास है, तो उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के थ्रू, खराज अकीदत पेश करेंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया। सोफिया यासीन आपसे मुहातिब है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं बिल्कुल खैर वाफियत से हैं, खुश व खुर्रम हैं और हमारे संग संग रहेंगे अब से लेकर ठीक 11 बजे तक। मार्च महीने की आज 8 तारीख हो चुकी है, सन 2021 का, और खूबसूरत सा दिन है आज पीर का, यानी कि सोमवार, मंडे की शुरुआत है और हमारा और आपका साथ रहता है आज के दिन ही। लेकिन आज का ये जो खसूसी प्रोग्राम होगा ख्वातीन के हवाले से, इसमें आपके लिए बहुत कुछ हम प्लान करके लेके आए हैं। सबसे प्लानर बड़ा तो अल्लाह की ज़ात है और यकीनन आप इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे हमेशा की तरह। जैसा कि आपको पता ही है, इस ये 3rd ईयर है मेरा ऐसा जो खसूसी प्रोग्राम करने का ख्वातीन के हवाले से। 1st ईयर में मैंने आपको सारी वो जो डिटेल होती हैं औरतों के हवाले से कि क्यों मनाया जाता है वो भी बताया था। 2nd में फिर हमने कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश की थी और 3 मुख्तलिफ ज़बानों में वो प्रोग्राम हुआ था। और अब जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ आवाज़ें और मुख्तलिफ जगहों से प्यारी प्यारी खूबसूरत सी आवाज़ें जो हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे आज के इस दिन में, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में जिद्दोजहद करके अपना एक ख़ास मुकाम बनाया माशरे में, और न सिर्फ घर को संभाला है, बच्चों को संभाला है, बल्कि साथ साथ जॉब भी करती हैं और ख़ुद का भी एक अलग सा मुकाम बनाया है। तो ऐसी ख़वातीन जो हैं यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और आज इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हम ये स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है ओनली ऑन सनराइज़ रेडियो। और सनराइज़ रेडियो को ये क्रेडिट हासिल है कि ये हमेशा हर साल यॉर्कशायर में ऐसा एक स्टेशन है जो औरतों की इस दिन को, एटलीस्ट आज के दिन को, बहुत भरपूर तरीके से मनाता है, जहां हमारे मर्द हज़रात जो हैं उनको बिल्कुल स्टूडियो में आने की इजाज़त नहीं होती और सिर्फ ख़वातीन का राज होता है। तो सबसे पहले आज के इस खूबसूरत से दिन की मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं हमारी CEO उषा पामा साहिबा, और उसके अलावा हमारी पूरी टीम में जितनी भी ख़वातीन हैं हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और वेल्डन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ख़ास हैं हमारे लिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं एज अ टीम मेंबर्स भी, और साथ साथ अपने घरों को संभाले हुए हैं, साथ साथ दूसरी जॉब्स भी करती हैं, और फिर यहाँ आके भी आप सबको एक खूबसूरत सा मुख्तलिफ सा पैकेज प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लेकर आती हैं और आप उससे महसूस होते हैं। तो आज का ये हमारा प्रोग्राम, अदना सी कोशिश, आपको कैसी लगेगी ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया सोफिया यासीन, ये आपसे मुहातिब है। हिट ऑफ द आवर सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का, और फिर इस तरह ही आप हमारे साथ साथ रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, आप यकीनन आज के प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। सुनते रहिए सनराइज रेडियो। इसी के साथ ही हम अपनी पहली मेहमान जो इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ हैं लाइव,
उनको वेलकम कहेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है इनकी, दिल नशीन सी आवाज़, प्यारी सी, और शायरी भी इनकी बहुत ही खूबसूरत होती है, अमर जिलानी साहिबा, और ये दर्स व तदरीस से भी मुंसलिक हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या और करती हैं कमालात। तो अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शुफिया जी? ठीक ठाक, अल्लाह का करम, आपको वेलकम कहेंगे सनराइज रेडियो पे। जी आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया, आप रात के इस पहर हमारा साथ निभा रही हैं। हाँ जी, आज शुक्रिया सुफिया, आज 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन के हवाले से हम मनाते हैं जी। तो आज के दिन मैं खास तौर पर उन तमाम खवातीन जो अपने घरों में अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, खास तौर पर जो जॉब भी बाहर करती हैं और अपने आकर घरों को देखती हैं, देखभाल करती हैं जी। और खासतौर पर हमारे विलेजेस में जो खवातीन अपने मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, अंत तक मेहनत करती हैं और फिर उसके साथ साथ अपनी फैमिली अपने बच्चों को टाइम देते हैं, मैं तमाम खवातीन को खराज तहसीन करना चाहूंगी आज के दिन के हवाले जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कलाम के थ्रू या फिर अपना पैगाम देंगी हमारी खवातीन जो इस वक्त सुन रही है? मैं कलाम इसके लिए एक लिखा है जी। तो मैं चाहूंगी कि उसके थ्रू मैं तमाम खवातीन को खराज तहसीन पेश करूं। बहुत शुक्रिया जी। मैं मिसले वफा हूँ वफा चाहती हूँ, मैं मिसले वफा हूँ वफा चाहती हूँ, मोहब्बत की बस एक अदा चाहती हूँ। जानती हूँ खलूसो मसीहाई में, जानती हूँ खलूसो मसीहाई में, मगर दुख में अपने दवा चाहती हूँ। है मेरे भी जज्बात औरों ही जैसे, है मेरे भी जज्बात औरों ही जैसे, मगर हाँ समझे कोई बाखुदा चाहती हूँ। मैं बेटी मैं माँ बहन हम सफर में, सभी का सुकून मैं सदा चाहती हूँ। खुद को बुलाकर सवारूं मैं सबको, खुद को बुलाकर सवारूं मैं सबको, मगर इज्जतों की विदा चाहती हूँ। बहुत खूब शुक्रिया। ओहो औरत इरादे हैं पुख्ता मेरे, औरत इरादे हैं पुख्ता मेरे, वो नाजुक नाजुकी की निदा चाहती हूँ। वाह जी वाह। अताए खुदा है मेरे हौसले भी, अताए खुदा है मेरे हौसले भी, मैं अंबर हमेशा निभा चाहती हूँ, मैं मिसले वफा हूँ वफा चाहती हूँ। बहुत खूब। तो सुफी जी बात ये है कि सबसे पहले तो औरत को खुद अपने हकूक अपने मुकाम और अपने मर्तबे का ना इलम होना चाहिए। बिल्कुल। तभी वो अपने हकूक के बारे में बात कर सकेगी, समझ सकेगी। एक छोटी सी लाइन जी मेरे इस वक्त अल्बर्ट स्वेल का एक स्टैंजा आ रहा है जी। Remember Chris Daly, who I am. यानी अपने आप को सबसे पहले आप पहचानोगे तो फिर ही आप किसी दूसरे बंदे से बात कर पाओगे कि मैं ये चाहता हूँ। और एक छोटी सी बात करना चाहूंगी जी कि औरत के हकूक और आजादी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो बेपर्दा हो जाए या फिर बेहुदा किस्म की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दे। नहीं, ये नहीं है। बल्कि औरत के हकूक ये हैं कि उन्हें एजुकेशन से लेके जॉब से लेके हर एक मुकाम पे उन्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज फ्राहम की जाए। और सबसे बढ़कर ये कि अगर एक औरत अपने घर से सफर कर रही है तो उसे इस बात की 100% गारंटी हो कि वो अपनी मंजिल पर बखैर खूबी पहुंच जाएगी, उसे किसी बेहुदा जुमले या किसी बेहुदा नजर का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही। वो औरत तो एक सफेद रंग है जो हर रंग को अपने अंदर समो सकता है। तो मैं तमाम औरतों को सल्यूट पेश करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। शायरी के अलावा क्या करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ इकोनॉमिक्स की। ठीक। तो जैसा कि आपने तारक में बता दी है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड हूँ जी, कुछ सोशल वर्क वगैरह कर लेती हूँ और बस इस तरह से। सही है, इतना भी कम नहीं है कि माशाल्लाह इस माशरे में जहाँ इतनी सारी औरत को परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस माशरे में रह के अपना मुकाम बनाना और खुद को मनवाना ये भी काबिल तहसीन बात है। और आपको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप
उन ख्वातीन का हिस्सा हैं, उनमें से एक हैं जो आज के इस जमाने में 2021 में कामयाब हैं माशाल्लाह से। जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त हमें टाइम दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंबर जिलानी साहिबा, आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और ये थी जी सईदा अंबर जिलानी साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान से, और यकीनन इनकी शायरी और इनका मैसेज आप तक पहुंचा, तमाम ख्वातीन तक और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं यकीनन उन तक पहुंचा होगा, और आपने इस गुफ्तगु को पसंद भी किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तरह ये बातचीत चलती रहेगी, साथ साथ आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी। और ये भी आपको बताते चलें कि हमेशा हर साल आपको बताया भी जाता है कि जो हमारे जितने भी मोहतरम भाई हैं बाहर सुन रहे हैं, हमेशा हमारा साथ भी निभाते हैं बड़ी अकीदत और इज्जत और एहतराम के साथ। आज के दिन वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते, और अगर करें भी तो हम उनका नाम नहीं ले सकते, इसलिए हमने नंबर ही नहीं बताया, क्योंकि ख्वातीन ने तो आना नहीं। और जितने भी हमारे मर्द हजरात भाई हैं वहाँ पे अंकल सुन रहे हैं हमें, जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, तो उनको हम तकलीफ़ ही नहीं देंगे, ठीक है। सो ऐसा है कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक पर चलते हैं और दोबारा से आपको वेलकम बैक कहेंगे। आप सुनते रहिए इसी तरह सनराइज रेडियो को। हमारे साथ इस वक्त हमारी बहुत ही प्यारी सी मेहमान है सबिया खान साहिबा, इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ ही पाया सनराइज रेडियो पे इस वक्त। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसमें शामिल किया। थैंक यू जी। ये कि आज एक अहम दिन है ख्वातीन के हवाले से, आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी जी। तो इस हवाले से वैसे तो मैं खैर अपने बारे में मैं बता सकती हूँ आपको कि मैं असल में जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ मुख्तलिफ अखबारात में जो है आर्टिकल भी लिखती हूँ और शायरा भी हूँ, और इस तरह मतलब ये मेरा सफर ये है कि हम लोग पहले सऊदी अरब में थे, वहाँ के अखबार जो थे उर्दू न्यूज और उर्दू मैगजीन उसमें लिखा करते थे, और अब मैं यहाँ करेना टोरंटो में हूँ, और यहाँ मैं अखबार से यहाँ के लिए उर्दू पोस्ट में लिखती हूँ आर्टिकल। तो जी वेरी नाइस। और इसके अलावा क्या मसरूफियात है आपकी? और बस यही मसरूफियात है, मेरी शायरी है जी। और लिखना लिखाना नसर है, असल तो असल चीज मेरी जो है जो मैं लिखती हूँ वो नसर में है, नसर है। और हाँ, और शायरी है साथ में, और ये कि ये बस ये मेरे मशगले हैं। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। और हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी, क्योंकि शायरा हैं तो शायरा से कलाम सुने बगैर तो जाने नहीं देंगे, और फिर साथ साथ क्योंकि आज का ये जो स्पेशल डे है इसके हवाले से भी आपसे पैगाम लेंगे। देखिए ये एक तो ये ख्वातीन के हवाले से ही एक मैं आपको गजल सुनाती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंसान की एक शान है तौकीर है औरत, और इसके हसीन ख्वाबों की ताबीर है औरत। वाह क्या कहने, जिस रूप में हो सबसे ही आला नजर आए। वाह जी वाह, असमत की ये मुंह बोलती तस्वीर है औरत। बहुत खूब। औरत की वजह से है जमाने में उजाला, तहजीब की दुनिया भी है तनवीर है औरत। वाह जी वाह। औरत है बहन बेटी का बीवी का हवाला, और माँ के हसीन रिश्ते की तौकीर है औरत। औरत से मैसर है जमाने में सुकून चैन, राहत की समझ लीजिए तस्वीर है औरत। बेशक। औरत से ही फिरदौस है घर और जहन्नुम, ये सब्र रज़ा ज़िस्त की तफसीर है औरत। बेशक। औरत को कभी भूले से कमजोर ना जानो, डट जाए अगर सामने शमशीर है औरत। वाजिबा वाजिबा, बहुत शुक्रिया। औरत को अगर समझो है किस्मत का सितारा, औरत को किस्मत का सितारा चमकाए जो इंसान की तकदीर है औरत। बहुत खूब। औरत को समझ ले जो सबीहा है सिकंदर, इंसान की हसी दुनिया है जागीर है औरत। बहुत खूब सुभैया जी, वेरी नाइस। और मेरा एक मैसेज जो है ख्वातीन के हवाले से जी। एक तो सबसे पहली बात ये कि अब जानबूझ के औरत मार्च को मतनाजा बनाने और किसात का जरिया बना दिया गया। बिल्कुल। औरतों के हकूक क्या सड़कों पे मिलेंगे, सही, ये अब तमाशे बन गए हैं। औरतों के असल हकूक फिर भी रह जाते हैं जी। आम औरतों के असल मसला आम औरतों का है जिनके हकूक मारे जा रहे हैं।
एक ये कि फजूल किस्म के नारे लगाए जाते हैं जो मतलब बुरा महसूस होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, चूल्हा क्यों जलाऊं, मोजे क्यों उतारूं। जी जी। क्या ये मसाइल हुकूक, ये मसाइल के हुकूक हैं औरतों के? और औरत के वकार का ख्याल रखा जाए, औरत की आजादी इसके जायज हुकूक हैं जो उसके दीन ने भी इसको अता किए हैं, वो मिलना चाहिए। ख्वातीन के आलमी डे पर मेरा ये औरतों को एक और पैगाम ये भी है कि देखें ख्वातीन जो है शोहरत दौलत नामो नमूद के लिए अपने वकार एहतराम इज्जत किरदार को दाव पे मत लगाएं। बेशक, बहुत खूबसूरत। वही दिखाएं जो है, वो बनने की कोशिश करें जो नहीं है। सही। घरों का सुकून, खुशी, आराम, मोहब्बत भरा माहौल औरत के मुस्बत रवैये ही बनाते हैं। जी। ये कहा जाए कि औरत औरत की दुश्मन होती है तो बेजा ना होगा, एक दूसरे से हसद, जलन, गीपत, बहतानबाजी अपने रवैयों बदजुबानी से खानदानों में दूरियां और नफरत पैदा करता है। तलखियां जिंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा कर देती हैं। कनात, सादगी, सबर जो है, तहम्मुल मिजाजी हमें सच्ची खुशियों से हमकिनार करेगी। जी। और ये कि ख्वातीन दौलत के लालच में अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए घर के मर्दों को हराम कमाई लाने पे आंखें बंद कर लेती। और ये जो है ये भी एक जहन्नुम का रास्ता अपने खानदान के लिए खोल देती है। सही। वो सियासी हो या आम घरों की ख्वातीन अपने शौहर भाइयों को गलत रास्तों पर चलने से रोके, जो हमारा दीन भी मना कर फरमाता है। जी जी। तो दूसरे ये कि रिश्वत, झूठ, हराम कमाई से अपने खानदान को बचाए, अपने हकूक की हिफाजत करे और उनको हासिल करे, मगर दूसरों के हकूक का भी एहतराम करे। औलाद की अच्छी तरबियत माँ का काम है, मगर आज की माँ अपने मसाइल में गुम होकर इस अहम मकसद को भूल गई है। देख लीजिए कि आज बच्चे जो बेरा रवि का शिकार है। जरूरी है कि इस दिन, आज का दिन जो है, हम जहाँ अपने हकूक की मांग कर रहे हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, तो अपना भी मुहासबा करें। और ये कि औरतों के जो असल हकूक हैं वो उस पर मारे जा रहे हैं, इस एक फिसाद होता है इस दिन के हवाले से, तो उसको नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज था आज के लिए। बहुत अच्छा मैसेज है आपका, बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो ख्वातीन जिन्होंने आजादी के नारे लगाए हुए हैं वो तो ऑलरेडी आजाद हैं, वो आजाद घूम रही हैं, फिर रही हैं, वो आम उन इलाकों में जाके देखें जिन्हें पता ही नहीं है कि राइट किसको कहते हैं या हकूक क्या चीज है, तो वो उनको तो पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको। जी, देखिए सबसे बड़ा मसला ये कि औरतों को, ख्वातीन को जो है तालीम के लिए, उनकी तालीम, सेहत, उनको मतलब ये चीजें जो है मिलनी चाहिए कि उनका जो हक है, असल जो हक है उनका, उससे महरूम है वो। और जो ये फजूल जो है ये नारेबाजियां और ये सारे जो हंगामे ड्रामे होते हैं ये सब मिलावट है। जी। ये सिर्फ टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। जी। और ये होता है कि ये सेमिनार होते हैं जी, और उसमें भी यही होता है कि बैठती हैं, बात करते हैं, लेकिन वो मसाइल तो हल नहीं होते, मसाइल तो अपनी ही जगह है जी। तो इनका जरूरी है कि असल मसाइल को जो है, और वो सड़कों पे नहीं हल होंगी। अब ये कि आप जो जिस तरह के हम माहौल देखते हैं वहाँ, कि आज का दिन है, जैसे पूरा दिन जो है वो यही इसी में गुजरा है जी, क्या ख्वातीन के मसले हल हो जाएंगे उससे? फिर भूल जाते हैं एक साल के लिए, फिर वो चीज भूल जाते हैं कि क्या कहा था। ये आज सिर्फ एक दिन का डे होता है, ये एक दिन हकूक का इजहार होता है, उसके बाद सब सो जाते हैं। जी, तो जी। फिर आ जाता है, तो ये एक मजाक बना लिया इन लोगों ने। लेकिन ये है कि बस समझना चाहिए ना कि कहाँ एनर्जी को वेस्ट करना है, ये समझने की जरूरत है आजकल के इस नौजवान तबके को जो सड़कों पे है। बिल्कुल। तो सड़कों पे मसले हल नहीं होंगे, इसका यही है कि उसको वाकई हल किया जाए। जी जी। खातिन के मसाइल हैं बहुत सारे हैं, और ये उनके नहीं है, जो तबका है, जो एक खास तबका है जिसके मसाइल नहीं है, ये उनका तो उनके पास तो कोई मसला है ही नहीं। बिल्कुल। बेचारा गरीब तबका है, बिल्कुल, जिनके पास कुछ नहीं है, उन खातिन के मसाइल हैं। बहुत अच्छी बात है। और एक जिस तरह के हमने इंसिडेंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो लड़की ने इंडिया में अभी रिसेंटली अपनी जान ले ली, तो वो क्या दे, था दे, ये ऐसी चीजों को हमने देखना है ना कि ये आंदा से ना हो, क्योंकि वो पेरेंट्स वो ही सोच लेके बैठे हैं कि जी अब वो उस घर चली गई तो वही बसी रहे, क्योंकि अगर आ गई तो लोग क्या कहेंगे। तो देखिए ये जो जो कुछ हुआ है वो उसके इसमें जो
ये वाकया हुआ है, ये बड़ा अफसोसनाक है। बिल्कुल। एक लड़की ने एक मैसेज भी दिया है, लेकिन ये जो दहेज और इसकी वजह से जो ये हसरत ही वालदैन ही करते हैं, अगर इसको वो ना दे जी, नहीं इसकी मांग पूरी करे, अगर वो लड़का जो था बार बार पैसे मांग रहा था और ये इसको दे रहे थे जी, तो फिर वो ये फिर एक रास्ता बन जाता है ना, ये एक ऐसी रस्म है जो जब कभी खत्म होगी, जब वालदैन भी इस सिलसिले में जो है वो ऐसे रिश्ते जो है वो करे, उनको कर मतलब अपनी बेटियों के देख कर भाल के शादियां करें। और दूसरी एक बात ये कि ये लड़कियों को कहना कि तुम अब बस जा रही हो तो तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, हाँ तुम वहां से मर के आना, देखिए ये बहुत पुरानी सोच है, वो एक जमाना चला गया जी जब ये था, अब इस दौर में इस तरह के वाकयात होना बहुत अफसोसनाक है। जी जी नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना कि ऐसे हकूक को उजागर करना चाहिए ना कि वो औरत है, अगर वो बेटी जा रही है तो उसको कहें कि आपका ये घर पहले था और तब तक रहेगा जब तक आपकी सांस चल रही है, तो जब भी आप समझें कि आपको वापस आने की जरूरत है, वहाँ नहीं रहना, तो आ जाएं खुले दिल से और दरवाजे खुले आपके लिए जी, उसको तहफ्फुज़ देना, उसको ये नहीं कहें कि बस अब तुम्हारा मरना जीना जो है वो उसी शौहर के साथ में रहना है, ये बात ये सोच लड़की की, अब चाहे लड़कियां कितनी मारी जाती है कि हमारे वालदैन के, तो ये मतलब लड़कियां तो होती हैं बहुत सेंसिटिव ना, उनके ऊपर कितना खराब असर पड़ता है इसका कि वो कहती है अपने वाले, अब वो लड़की उसके वालिद उसको कह रहे थे कि तुम घर आ जाओ मगर वो लड़की नहीं आई। तो ये क्योंकि रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है तो हम देखते हैं कि इनके लिए आवाज उठानी चाहिए, ये वो लोग जो कह रहे हैं कि ये और वो उस तरह का नहीं होना चाहिए, ये घरेलू तशद्दुद है इसकी भी बहुत रोकथाम होनी चाहिए, इस तरह के वाकयात होते हैं। और दूसरी ये कि जो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसी रस्में हैं, कम उम्र की शादियां हैं और ये वट्टा सट्टा और ये जो इस तरह कारोकारी, ये है असल मसाइल, इनको दूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें भी औरत ही औरत को ही ढाल बनाया जाता है, ढाल बनाया जाता है, खुद आप अपना जुर्म करते हैं, आप कोई कत्ल करते हैं और वो बेटी को या अपनी बहन बेटी या उसको वीर की कुर्बानी देते हैं, तो ये रस्में भी खत्म होनी चाहिए। बेशक, जब ही होगा जब एक समाज एक सब लोग एक साथ काम करेंगे, अब ये तो नहीं है कि वो बस थोड़ी देर के लिए होता है, कोई वाकया होता है लोग खूब उस पर अफसोस करते हैं, खूब बातें बनती हैं, उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है, तो ये बहुत जरूरी है कि उस पर अमल भी किया जाए खुवातीन के हवाले से। मगर आज की मैं ये कहती हूँ कि आज की खुवातीन जो है पहले से खुवातीन में बहुत तब्दीलियां आई है, आप देखिए हर शोबे में काम कर रही है जी, और एक अच्छा एक बनता जा रहा है माहौल, बस बात ये है कि जो बेचारे जो बिल्कुल ऐसा तबका है जो नहीं कर पा रहा, उनके उनके हकूक है, उनकी बातें हैं, वो उन पे नजर सानी करनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज था आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। थैंक यू सुबैया जी, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, जी बहुत शुक्रिया आपका। और सनराइज रेडियो का आप सुन रहे हैं, आज ख्वातीन का खसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोफिया यासीन और मेरे साथ मेहमान थी टोरंटो से, कनाडा से सबिया खान साहिबा, और यकीनन आपने उनकी गुफ्तगू को सुना और पसंद किया होगा। तो साथ ही साथ आपको बताते चलें, सो फार हमें पाकिस्तान से सईदा अंबर जिलानी साहिबा ने ज्वाइन किया था बहुत ही खूबसूरत से मैसेज और शायरी के साथ, और उसके बाद हम टोरंटो गए जहाँ से सबिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था और खूबसूरत से पैगाम के साथ उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बातें भी की, और यकीनन आपने पसंद भी किया होगा उनकी खूबसूरत सी बातचीत को। और साथ साथ टाइम जो है वो इतना जल्दी चला जाता है इस आवर का, मैं देख रही हूँ कि अब बिल्कुल जो है वो टाइम इतना है नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आए, तो हम आपको फेर रहे हैं, पहले पाकिस्तान गए, फिर वैसे तो इंडिया जाना चाहिए असूलन क्योंकि दोनों नेबर्स हैं, हमने एक को स्किप करके फिर चले गए टोरंटो, लेकिन हम इंडिया भी आपको लेके जाएंगे और साथ साथ जर्मनी भी लेके जाएंगे और यूके में तो हम हैं ही, और यूके वालों को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इस तरह आज सारे चक्कर लगेंगे और यकीनन आप इंजॉय भी करेंगे साथ साथ प्रोग्राम को इस तरह सुन रहे हैं, तो वेलकम कहेंगे सबसे पहले हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना है, हमेशा हमारे प्रोग्राम को पसंद करती हैं, तनवीर अख्तर जी। तनवीर अख्तर जी आज का प्रोग्राम आपके नाम भी करते हैं और आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। जी आयनो सात बिस्मिल्ला, आपने प्रोग्राम को पसंद किया और सबको सलाम भी कहा, तो शुक्रिया आपका जी। तनवीर अख्तर को वेलकम कहते हैं और साथ साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी शाज जी हैं। शाज जी आपके नाम भी आज का प्रोग्राम, और आपने बहुत सारी दुआएं दी, आपने कहा कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पसंद आ रहा है, तमाम सुनने वालों को इस्लाम कहिएगा और आज के दिन के मुनासबत से तमाम जितनी भी खवातीन हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज दीजिए, थैंक यू सो मच। और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपको ले चलें इंडिया, इंडिया से हमारी बहुत ही प्यारी सी शायरा हैं
शहनाज रहमत साहिबा, और आप इनको सुनेंगे इनकी बहुत ही खूबसूरत से कलाम को औरत के हवाले से ही, खवातीन के दिन के हवाले से आप सुनेंगे, यकीन इंजॉय करेंगे। आइए उनका ये खूबसूरत सा मैसेज सुनते हैं, यकीन आप भी इंजॉय करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं शहनाज रहमत कोलकाता हिंदुस्तान से। सामईन, आलमी यौम ख्वातीन के हवाले से हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त आरजे सुफिया यासीन ने हमसे कहा कि हम आपके लिए कोई पैगाम दें, तो मैं आज अपनी बात इस शेर से शुरू करती हूँ। वो कम नसीब है मजलूम है वो औरत है, वो कम नसीब है मजलूम है वो औरत है, जमाने तूने सितम उस पे ढाए हैं क्या क्या, जमाने तूने सितम उस पे ढाए हैं क्या क्या। जी हाँ सामईन कराम, आज के आलमी यौम ख्वातीन के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतों का कोई एक मखसूस दिन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, उनके लिए तो हर दिन ख़ास है, हर दिन अहम है। अगर हम उनकी अहमियत को, उनके मर्तबे को, उनके रुतबे को समझें और उन्हें सही दर्जा दें, तो हर दिन यौम ख्वातीन के तौर पर देखा जाना चाहिए। सामईन कराम, हमारा ये मानना है कि हमारे मुआशरे में जो भी खराबी या बुराइयां हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि हम मर्द और औरत के फ़र्क को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। इसकी शुरुआत घरों से ही होती है, जब बेटे और बेटी के फ़र्क के साथ उनकी तरबियत की जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर घरों में ही लड़के लड़की के फ़र्क को मिटाकर दोनों को एक सुई के साथ अगर तालीम दी जाए, उनकी परवरिश की जाए और उन्हें एक ही इज्जत करना सिखाया जाए, तो हमारे मुआशरे से ये बुराई जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। इस मौके के हवाले से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैंने एक नज्म भी लिखी है, लेकिन मैं अभी आपके सामने अपने दो अशआर पेश करना चाहती हूँ। आप देखें, इल्ज़ाम लगाते हैं औरत पे खुलेपन का, इल्ज़ाम लगाते हैं औरत पे खुलेपन का, गुस्ताख नहीं रखते काबू में नज़र अपनी, गुस्ताख नहीं रखते काबू में नज़र अपनी। एक और शेर देखें, बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ मैं एक औरत हूँ, बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ मैं एक औरत हूँ, न मोल तोल कभी कर न ले उधार मुझे। तो हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए मर्द और औरत दोनों को एक होकर सामने आना होगा, और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के साथ ही हम अपने मुआशरे में भलाई ला सकते हैं। एक नज्म समाप्त कीजिए, तू लड़की है जुर्रत मत कर सब कहते हैं, तू लड़की है जुर्रत मत कर सब कहते हैं, ऐसी वैसी हरकत मत कर सब कहते हैं, ऐसी वैसी हरकत मत कर सब कहते हैं, बचपन से पाबंदी ही में जीना होगा, बचपन से पाबंदी ही में जीना होगा, तू ये मत कर तू वो मत कर सब कहते हैं, घर की दीवारें तय करती हैं हद तेरी, घर की दीवारें तय करती हैं हद तेरी, रुक जा थम जा हरकत मत कर सब कहते हैं, मेहनत कर पैसे ला तेरी जिम्मेदारी, मेहनत कर पैसे ला तेरी जिम्मेदारी, इन बातों पर हैरत मत कर सब कहते हैं, औरत घर की इज्जत सर झुकने ना पाए, औरत घर की इज्जत सर झुकने ना पाए, रुसवा घर की इज्जत मत कर सब कहते हैं, सब दुख सहकर हंसता चेहरा रखना होगा,
सब दुख सहकर हंसता चेहरा रखना होगा। रोनी सी अब सूरत मत कर, सब कहते हैं दुनिया कहती है पर कब माने है शहनाज, दुनिया कहती है पर कब माने है शहनाज, ओ रुक ऐसी हिम्मत मत कर, सब कहते हैं। सामईन कराम, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये नज्म पसंद आई होगी। तो आज के लिए मैं आपके साथ अपने दिल की इतनी ही बातें शेयर कर रही थी आरजे सुफिया यासीन के साथ उनके बेहद ख़ास प्रोग्राम दिल से में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज रहमान साहिबा का इंडिया से पैगाम पहुंचा रही थी हम तक, और क्या खूबसूरत शायरी थी उनकी। और ये जो इन्होंने पैगाम भी दिया कि जब हम फ़र्क मिटा देंगे ना बेटे और बेटी के दरमियान का, तो तब ये झगड़े जो हैं वो खुद बहुत ही ख़त्म हो जाएंगे। और जब माएँ अपने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी उसी तरह की तरबियत देने लग जाएंगी, तो फिर वो कल ना इंसाफ़ी नहीं करेंगे अपनी बीवियों के साथ। और यकीनन जो है फिर झगड़ा ही नहीं रहेगा जब हर किसी को उसके हकूक़ मिलते रहेंगे बिन मांगे। तो खूबसूरत से मैसेज के साथ हम अलविदा करते हैं शहनाज रहमान जी को। क्या खूबसूरत पैगाम था, यकीनन हमारे सुनने वालों ने भी पसंद किया होगा। आपको हम वापस यूके लेके आएंगे, और फिर साथ साथ अभी तो जर्मनी भी है, जर्मनी को भी हम साथ लेके चलेंगे, और बहुत सारी जो है सरप्राइजेज आपके लिए हैं। आप यकीनन आज के प्रोग्राम को पसंद करेंगे, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह कोई जो भी खसूसी प्रोग्राम होता है वो यादगार रहे हमेशा। तो आप सबकी मोहब्बतों प्यार और खलूस का शुक्रिया बहुत बहुत। जितने भी बहन भाई दोस्त हमारा साथ निभा रहे हैं, आप सबकी मोहब्बतों प्यार और खलूस का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह सुनते रहा करें सनराइज रेडियो को, और आपके लिए खूबसूरत खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो हम आपके लिए पेश करते रहेंगे, और आप इसी तरह इंजॉय करते रहें। आज की ख्वातीन का ये जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपको पता ही है सनराइज रेडियो पर हमेशा हर साल ही पूरा दिन ख्वातीन प्रोग्राम्स करती हैं, और आज का हमारा प्रोग्राम क्योंकि होता ही इस वक्त है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये खसूसी प्रोग्राम, और इसकी नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। यकीनन सो फार जितनी भी हमारी मेहमान बहनें जो आई हैं, ख़ास ख़ास बहुत ही खूबसूरत लबो लहजा आवाज़ें और उनकी शायरी यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप सबकी मोहब्बतों प्यार और खलूस का शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी चाहतों का समातों का शुक्रिया अदा करते हैं। सनराइज रेडियो को आप सुनते हैं पूरी दुनिया में www.sunriseradio.fm के जरिए, और इसके अलावा आप 103.2 FM के जरिए सुनते हैं। इस वक्त आपसे मुखातिब है सोफिया यासीन प्रोग्राम दिल से के साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा साथ निभा रहे हैं नहायत ही मोहब्बत प्यार और खलूस के साथ हमेशा की तरह। खूबसूरत सी आवाज़ की जानिब जो हमारी मेहमान हैं, ये यही यूके से लंदन से हमारा साथ निभाएंगी। आज एक खूबसूरत से दिन को हम मना रहे हैं यहाँ सनराइज रेडियो पे, और आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों से हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। तो इस वक्त हम लिए चलेंगे आपको लंदन, जहाँ से हमारी बहुत ही प्यारी सी शायरा हैं समीना रहमत साहिबा, इन्हें खुश आमदीद कहेंगे सनराइज रेडियो पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप समीना जी? ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप इस वक्त हमारे साथ शामिल हुई हैं प्रोग्राम में, इस खुसूसी प्रोग्राम में, और बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के शुक्र, आप बताइए? बिल्कुल खैरियत से। थोड़ा बहुत अपने हवाले से बताएंगी कि क्या कुछ करी हैं, कैसे जिंदगी गुजरी है आपकी यूरोप में यहाँ पर, और क्या मसरूफियात रही आपकी? मैं 1998 से इंग्लैंड में हूँ, और मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह, एक 18 साल के, एक 14 साल का। और मैंने पाकिस्तान से BSc किया था इकोनॉमिक्स में, और यहाँ से मैंने लंदन से LLB किए हैं। और इसे प्रेसिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत वॉलंटियरिंग करती हूँ, तो बस लिखने के सामने पढ़ने पढ़ाने में टाइम गुजर जाता है। 1995 से शादी कर रही हूँ, 1995 से अच्छा पाकिस्तान से शादी शुरू कर दी थी जी, और वो किताबें शाया हो चुकी हैं, और अब इंशाल्लाह और इसको आऊंगी। ठीक, तो दो किताबें दोनों उर्दू में ही हैं आपकी? जी, दोनों शायरी की हैं, उर्दू शायरी की हैं। कभी पंजाबी में लिखा कि नहीं? पंजाबी में लिखा है लेकिन छुपवाया नहीं, अच्छा लिखा है ठीक, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लिखा है कि उसे अलग से छुपवाया जाए। अच्छा अच्छा, सही है। तो बहुत शुक्रिया, आज के हवाले से क्या कहेंगी हमारे सुनने वालों को, क्या सुनाएंगी? सबसे पहले तो आपका कलाम सुनेंगे, और उसके बाद आपका पैगाम भी लेंगे हम। ठीक है, मैं आपको एक गजल सुनाती हूँ। जी शुक्रिया।
मोहब्बतों की रियाजत में मारी जाऊंगी, मोहब्बतों की रियाजत में मारी जाऊंगी, मसाले याद की लज्जत में मारी जाऊंगी। बहुत खूब। बचाए रखेगी मसरूफियत मेरी मुझको, मैं अपनी पहली ही फुर्सत में मारी जाऊंगी। अरे वाह, क्या कहने। बचाए रखेगी मसरूफियत मेरी मुझको, मैं अपनी पहली ही फुर्सत में मारी जाऊंगी। ये मेरे पीछे खड़े लोग मुझको फुसलेंगे, मैं आप अपनी क़यादत में मारी जाऊंगी। क्या कहने। रहूंगी जिंदा मैं नफरत के नारे लगवा कर, मोहब्बतों की सियासत में मारी जाऊंगी। कभी मरूंगी मैं बदनामियों के मक्तल में, कभी मैं हसरत शोहरत में मारी जाऊंगी। बहुत खूब जी, शुक्रिया। दफीना खोद से ही कोई सांप मुझको डस लेगा, मैं अपनी ख्वाहिश दौलत में मारी जाऊंगी। दयारे गैस से अब लौटना नहीं मुमकिन, दयारे गैस से अब लौटना नहीं मुमकिन, मैं जानती हूँ कि गुर्बत में मारी जाऊंगी। पड़ेगी कोई जरूरत ना मुझको सहरा की, मैं अपने खाना वहशत में मारी जाऊंगी। बहुत खूब। हर अजनबी पे मैं करती हूँ एतबार मनाल, हर अजनबी पे मैं करती हूँ एतबार मनाल, मैं एक दिन इस उजलत में मारी जाऊंगी। अरे वाह, मुकर्रर मुकर्रर। हर अजनबी पे मैं करती हूँ एतबार मनाल, मैं एक दिन इस उजलत में मारी जाऊंगी। बहुत खूब, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। मनाल में तखल्लुस है, इस्तेमाल करती थी जी, अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है। अच्छा, तो जी जी, इसकी कोई खास वजह? मैंने सोचा कि तखल्लुस होना चाहिए, बहुत शायरों का है, तो मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। नहीं, वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन मिनाल ही क्यों, ये आपको क्यों पसंद? मिनाल का मतलब है कामयाबी, आगे बढ़ने वाली जी। अच्छा, तो इसलिए मैंने सोचा चलेंगे इस्तेमाल कर लेते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। तो अब शायरी में भी उसको शामिल करती हैं। हाँ जी, हाँ जी, वेरी नाइस। तो क्या सुनाएंगी हमारे सुनने वालों को, और कोई कलाम है इस हवाले से? बहुत अच्छा कलाम था आपका। एक गजल सुनाती हूँ जी, सारा ताज़ा कलाम सुना रही हूँ आपका। जी जी, थैंक यू। मैं क्या हूँ शहर भर के कमीनों से पूछ लो, हाँ, मैं क्या हूँ शहर भर के कमीनों से पूछ लो, सही। आया है क्यों पसीना जबीनों से पूछ लो, वाजी वा। झूले हैं मैंने 365 सगाने शहर, हाय हाय, मेरी तरह की सारी हसीनों से पूछ लो। कमाल है। झीले हैं मैंने 365 सगाने शहर, मेरी तरह की सारी हसीनों से पूछ लो। जी। गुम हो गया था कल मेरा बचपन यहीं कहीं, हाय हाय, गुम हो गया था कल मेरा बचपन यहीं कहीं, चाहो तो गांव भर की जमीनों से पूछ लो। अरे वाह वाह, जिंदगी का फलसफा क्या मौत का वजूद, जी, क्या जिंदगी का फलसफा क्या मौत का वजूद, इन डूबते उभरते सफीनों से पूछ लो। बहुत खूब। शहरों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या, शहरों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या, मुझ पे यकीन नहीं तो मकीनों से पूछ लो। बहुत खूब। इंसान कैसे आज के रोबोट बन गए, रूहें कहाँ गई हैं, रूहें कहाँ गई हैं, मशीनों से पूछ लो। बहुत खूब। इंसान कैसे आज के रोबोट बन गए, रूहें कहाँ गई हैं, मशीनों से पूछ लो। वो क्या बताएंगे जो खुद ही बेच कर जिए, वो क्या बताएंगे जो खुद ही बेच कर जिए, सजदे कहाँ किए हैं जबीनों से पूछ लो। वेरी नाइस। और आपके शेर है जी, सांपों को चाहिए नहीं ये सेमजर मनाल, सांपों को चाहिए नहीं ये सेमजर मनाल, किसका खजाना है ये सफीनों से पूछ लो। वेरी नाइस, कमाल, आपकी पोएट्री बहुत जबरदस्त है, वेरी नाइस। शुक्रिया आपका बहुत बड़ा, आपकी पसंदीदगी का बहुत अच्छी जी। जी जी, तो ये खूबसूरत सा कलाम आपका, वो जो जमीनों वाला शेर है ना, बचपन यही कहीं, एक एक शेर वो एक दफा फिर हो जाए इसी का जी। ये है, गुम हो गया था कल मेरा बचपन यहीं कहीं, गुम हो गया था कल मेरा बचपन यहीं कहीं, चाहो तो गांव भर की जमीनों से पूछ लो।
क्या बात है, चाहो तो गांव भर की जमीनों से पूछ लो। वेरी नाइस, बहुत खूब। यहाँ रह के भी वही घूम रही हैं आप कलाम? हाँ, वही घूम रही हैं। मैं लंदन में लाहौर पर हूँ। वही ना, देखिए हम कहीं ना कहीं वो एक ख्यालात मिलते जुलते हैं ना, कि आप जहाँ भी रहें लेकिन अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो ये जहाँ इंसान अपना बचपन गुजारता है, जहाँ जवानी गुजरती है, वहाँ जी उसे उस इलाके को, उस जमीन को भूलना बहुत मुश्किल होता है। इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। सो ट्रू जी। तो आज के इस दिन के हवाले से कलाम तो हमने आपका सुना, बहुत ही खूबसूरत कलाम था आपका और आवाज़ भी आपकी बहुत ही प्यारी सी है। तो इस हवाले से पैगाम क्या देंगी सुनने वालों को? खवातीन के दिन के हवाले से मैं यही कहूँगी कि आज की खातून बहुत मजबूत है जी। और बात बहुत इतनी मजबूत हो जाती है कि मर्द के आगे बेबस लगने लगता है बात के चीज में। ये कि आप अपनी मजबूती को अपनी ताकत बनाए, किसी की कमजोरी ना बनाए। सही, क्योंकि आप आपकी ताकत से आपकी ताकत दूसरे की ताकत बनी जाए, ना ये कि आपकी ताकत किसी दूसरे की कमजोरी बन जाए। सही। और दूसरा ये कि जो खवातीन है उन्हें, जो हमारी खवातीन कहते हैं कि हमने मर्दों का मुकाबला करना है जी। ये हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने औरत को अलग मकाम दिया है, मर्द को अलग मकाम दिया है। औरत के लिए मर्द को ढाल बनाया है और उसे ढाल भी रहने देना चाहिए। औरत हर सब काम कर सके, मर्द कमता नहीं है, मर्द आला आला अफजल है, क्योंकि वो मर्द को पैदा करती है, मर्द की परवरिश करती है, मर्द को जवान करती है जी। तो लेकिन ये कि मेरा यही पैगाम है कि औरत अपने दायरा कार में रह के अपनी शर्मा हया अपने 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 दायरा कार में रह के अपने आप को मनवा सकती है, और मनवाया है खवातीन ने, मनवाया जैसे हजरत खदीजा है, हजरत आयशा है जी। और बहुत सी खवातीन है उनके बाद जिन्होंने कभी भी नहीं ये कहा कि वो मर्द का मुकाबला करेंगे, लेकिन उनके नाम का टंका बचता है और वो आज तक जिंदा है। बेशक जी जी, सही है कि आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि लिमिट में रह के तो उसको अपनी हद को अबूर ना करें और उसी में रह के आप अपनी जो अपने आप को डिस्कवर कर सकती हैं बेसिकली। बहुत अच्छा पैगाम था आपका, बहुत शुक्रिया समीना रहमत जी। आपका पैगाम सुन के भी और आपका कलाम सुन के भी बहुत मज़ा आया, और यकीनन हम आपको ना एक बिलखसूस एक दिन के लिए इंटरव्यू लेंगे और बाकायदा तौर पर आपसे बातचीत भी करेंगे। तो यकीनन आप हमें वक्त देंगी उस वक्त भी, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी तो ये थी जी लंदन से हमारे साथ समीना रहमत साहिबा, बहुत ही खूबसूरत से इनके कलाम हमने सुने दो एक के बाद एक, और फिर उनका पैगाम भी था। यकीनन आपने पसंद किया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वालों का। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो पे ख्वातीन के हवाले से आज ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है हमने खसूसी तौर पे, आज आलमी योम ख्वातीन मनाया जा रहा है तो उस हवाले से ये प्रोग्राम है। इस वक्त सोफिया यासीन आपसे मुखातिब है, और क्योंकि टाइम बिल्कुल हमारे पास इतना है नहीं है तो जल्दी से हम चलते हैं लेके आपको जर्मनी की जानिब, जहाँ से हमें बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज मिला है इशरत मुइन से सीमा जी का, तो आप इनको सुनिए। मेरा नाम इशरत मुइन सीमा है, मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में मुकीम हूँ। आज आलमी योम ख़वातीन के मौके पर दुनिया की उन तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जो ख़वातीन के अज़्म को लेकर, उसकी आज़ादी और उसके हुकूक व फ़राइज़ के एहसास को जगाने को लेकर आज दुनिया भर में एक तहरीक चला रही हैं और किसी हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस सफ़र को जारी रखिए। 8 मार्च ख़वातीन का दिन है, ख़वातीन को यह एहसास दिलाने का दिन के हुकूक व फ़राइज़ की जंग में उन्होंने पीछे नहीं रहना है, उन्हें अपने मसावी हकूक़ के लिए, इस माशरे से अपने मसावी हकूक़ के लिए, अपने ज़िम्मेदारी के एहसास को जगाने के लिए हमेशा मुतहरिक रहना है। और इस हवाले से मैं कुछ अपने अशार आपके लिए पेश करती हूँ, तो मुलाहज़ा कीजिए। हम अपना वक्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे, हम अपना वक्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे, समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे, समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे, उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्ज़ी से, उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्ज़ी से,
हवा और रोशनी के वास्ते खिड़की बनाएंगे और सजाएंगे थनक रंगों से हम कच्चे मकानों को, सजाएंगे थनक रंगों से हम कच्चे मकानों को, कभी बरसात होगी तो कोई छतरी बनाएंगे, कभी बरसात होगी तो कोई छतरी बनाएंगे, और ख़ज़ाना यूं भरेंगे हम मोहब्बत के जवाहिर से, ख़ज़ाना यूं भरेंगे हम मोहब्बत के जवाहिर से, न कोई कुफल ही होगा न हम कुंजी बनाएंगे, न कोई कुफल ही होगा न हम कुंजी बनाएंगे, और बढ़ाएंगे रिवायत से हटाकर सिलसिला अपना, बढ़ाएंगे रिवायत से हटाकर सिलसिला अपना, कबीले में हम अब सरदार एक लड़की बनाएंगे, कबीले में हम अब सरदार एक लड़की बनाएंगे, हुकूमत का जुनून ऐसे है तारी हुक्मरानों पर, हुकूमत का जुनून ऐसे है तारी हुक्मरानों पर, कि हाकिम पेड़ सारे काट कर कुर्सी बनाएंगे, कि हाकिम पेड़ सारे काट कर कुर्सी बनाएंगे, और पिघलती जा रही है बर्फ़ भी उस सर्द महरी की, पिघलती जा रही है बर्फ़ भी उस सर्द महरी की, नया माहौल अब जज्बात की गर्मी बनाएंगे, नया माहौल अब जज्बात की गर्मी बनाएंगे, चलो सीमा कहीं से ढूंढ लाएं चैन का नगमा, चलो सीमा कहीं से ढूंढ लाएं चैन का नगमा, दिलों पर राज करने की तभी बंसी बनाएंगे, दिलों पर राज करने की तभी बंसी बनाएंगे, हम अपना वक्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे, समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे। आलमी यौम ख़वातीन, दुनिया की तमाम ख़वातीन को मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहेंगे दोबारा से। और जी हाँ, 9:07 इस वक्त आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो की नशरियात सूफिया यासीन के साथ प्रोग्राम दिल से, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी खैर वाफियत से हैं, खुशी खुर्रम हैं और हमारे संग संग हैं। दिल से खुशामदीद कहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम यानी कि आलमी योम ख़वातीन का ये खूबसूरत सा दिन या ये खूबसूरत सी जो नशरियात हम मना रहे हैं, आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही होंगी। एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत बरतानिया की हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, आप उन्हें सुनेंगे, उनके कलाम को, उनके मैसेज को, तो यकीनन आप पसंद करेंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और साथ साथ हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी मेहमान हैं, प्रोग्राम में शामिल होने जा रही हैं बरतानिया से, नगमाना कमल शेख साहिबा। नगमाना जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं सनराइज़ रेडियो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आपके मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, और सबसे पहले माजत खा हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। जी, अब वादा किया था तो निभाना तो था। मैं आपके तमाम सामेईन को आदाब अर्ज करती हूँ और उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। तो कुछ अपने बारे में बताएंगे, वैसे तो आप उर्दू अदब की बहुत खिदमत कर रही हैं बरतानिया में रह के, तो थोड़ा सा आप मुख्तसर सा अपने बारे में बताएंगी हमें? मेरे बारे में मुख्तसर तो नहीं है, बहरहाल कर छोड़ती हूँ जी, बात को। जी जी, मैंने 9-10 साल की उम्र से शेर व शायरी शुरू की थी। ठीक है। और छपना भी शुरू कर दिया था मुख्तलिफ अखबारात में, और इस वक्त मेरी 15 किताबें हैं जो कि मंजरे आम पर आ चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 46 मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। माशाल्लाह। और इसके अलावा ये है कि 6-7 तंजीमें हैं जिनके साथ मैं, अदबी तंजीमें हैं जिनके साथ मैं मुंसलिक हूँ, और तकरीबन सबकी मैं डायरेक्टर हूँ, और एक मेरी अपनी जाती तंजीम है जिसका नाम है खजीना शेर-ओ-अदब। ये 3 साल पहले हमने बनाई थी, इंटरनेशनल है। इसकी एक ब्रांच इटली में है, एक पाकिस्तान में, एक जर्मनी में और एक स्कॉटलैंड में। माशाल्लाह। तो हम 3 साल में 40 इंटरनेशनल मुशायरे करवा चुके हैं, बहुत सारी किताबों की, नए लिखने वालों की किताबों की रोनमाई भी करवा चुके हैं जी। तो ये सब ये इल्मी अदबी सफर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सब आप ही मैनेज करती हैं या साथ में और भी मेंबर्स हैं आपके? जाहिर है तंजीम एक बंदे से तो होती नहीं है, हेड है ना तंजीम में। तंजीम तो एक दूसरे के साथ जब तक बंदा मिलजुल कर ना चले जी, कोई भी काम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, और
दूसरे की मदद से ही होता है, लेकिन बेसिक जो मुंतजिम हूँ वो मैं ही हूँ और मेरे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े खलूस वाले लोग जो हैं, बादब और बाजौक लोग जो हैं वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि उर्दू अदब का आप इतना खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रही हैं, इसलिए हमने ये पूछना जरूरी समझा कि आपके जहन में ये ख्याल आया, क्योंकि माशाल्लाह से 15 किताबें आप लिख चुकी हैं उनकी खालिक हैं, तो जाहिर है फिर साथ साथ लोग मिलते रहते हैं जुड़ते रहते हैं तो वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो जाहिर है फिर बनता रहता है कि एक मजबूत, आप कह सकते हैं कि बुनियाद जब हो मजबूत, आप हैं उसकी हेड, तो उसके बाद जो लोग आएंगे वो भी अच्छे ही होंगे और वो उसको ले कर चलेंगे, तभी आप और कंट्रीज में भी इस तंजीम को ले कर जा रही हैं, चल रही हैं और लोगों को प्रमोट कर रही हैं। बेशक मेरे बहुत अच्छे दोस्त अहबाब हैं जो कि बहुत अच्छा अदबी ज़ौक रखते हैं और वो खुद भी बेशुमार किताबों के मुसन्फा और मुसन्निफ हैं, तो ये एक हम ख्याल लोगों का हल्का बन जाता है जी। कोई भी काम करो तो अपने हम ख्याल लोगों की जरूरत होती है उसमें, तो इसमें मुझे किस खुशकिस्मती से बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं जो कि इसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं। और आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से लाइव मिशारे तो हो नहीं रहे, तो ऑनलाइन मिशारों का दौर दरा है और बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है और हम यहाँ के माशाल्लाह कोने कोने में इंडिया से लेके कनाडा तक, कनाडा से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक, सब एक साथ एक कड़ी में जुड़े हुए हैं जी। और हर हफ्ते में कम से कम बेश 2-3 मुशायरे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से इनविटेशन आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत से और मजीद अच्छे अहबाब से मिलने का जो शर्फ है वो भी हासिल हो रहा है। देख लीजिए कि हर चीज में अल्लाह की हिकमत होती है, कहने को तो कोरोना एक वबा है जी। लेकिन निकले हैं कि हमें अपनी फैमिली को भी वक्त देने का वक्त मिल गया, हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का वक्त भी मिल गया है, हमें मजीद लिखने पढ़ने का वक्त भी जो है वो जो हम इधर उधर फजूलियात में गंवा देते थे घूमते फिरते हुए, वो हमने कुछ ऐसे मस्बत काम भी अल्लाह ताला के हुक्म से कर लिए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया नगमाना जी। क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले से, आलमी योम ख्वातीन के हवाले से क्या पैगाम देंगी, और कलाम भी तो जाहिर है हमने आपसे सुनना है। जी जरूर, मैं यही कहूंगी जी, औरत के लिए तो 365 दिन हो अल्लाह ने दिए हैं, तो हमारी ये तो हमारी कमबख्ती है कि हम बीच में से एक दिन चुनकर बड़े खुश हो रहे हैं जी। आज हमारा दिन है, आज हमारा दिन है, हमारे लिए तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने 365 दिन एक साल में रखे हैं जी। अगर औरत माँ है तो 365 दिन उसके कदमों के नीचे जन्नत है, बहुत खूब। और अगर औरत बेटी है तो वो 365 दिन अपने बाप के लिए रहमत है, बेशक। और अगर बीवी है तो वो अपने मर्द का ईमान जो है वो मुकम्मल करती है, तो वो तो देखिए ना क्या कुछ नहीं हमें मिला हुआ। और ये हमारी हम इसी में चले, ठीक है कहते हैं खाए मन भाता और पहने जग भाता, इसी के मस्ताक ये है कि हम ये दिन भी, चूंकि हम लोग यूरोप में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो हम लोग जो है हमारा कोई नुकसान नहीं है अगर हम उनके साथ मिलजुल कर मना लेते हैं, लेकिन इसको अपना टारगेट समझ लेना, अपना मतमाई नजर समझ लेना और गलत किस्म के इसके बारे में हमारी जो ख्वाहिशात हैं उसका तो कोई लिमिट नहीं होती, तो ये क्या कि हमें ये भी मिले, ये आजादी मिले, भाई हमें तो आजादी पहले ही मिली हुई है ना, कमाना हमारे अल्लाह ताला ने जिम्मे लगाया है ना, हमने हम राशन बोने के लिए बनी है ना, हम गाड़ियों के टायर बदलने के लिए बनी है, हम तो घर की जन्नत है जी। बहुत और इसमें ये है कि एक हद में रहते हुए दुनिया के साथ हम चल सकते हैं, लेकिन अगर जब हम हद पार कर जाएं तो फिर खराबी ही निकलती है, आपको पता ही है। गो कि मैं भी बड़ी मॉडर्न खातून हूँ, हम सभी मॉडर्न लोग हैं, जब मैं शेरो शायरी कर सकती हूँ तो मुझे इसके हक में बोलना चाहिए, लेकिन मैं हक में तो तब बोलू ना अगर मुझे 364 दिन बाकी कोई एजाज नहीं दिया मेरे अल्लाह ने या मेरे मजहब ने, फिर तो मैं कोई भी आज का दिन मेरा है, हट जाओ सब जी। मैं जो चाहूं करूं, सही। तो ये तो नुकसान का सौदा है जी। अगर सोचा जाए तो ये बड़ा नुकसान है औरतों के लिए कि वो एक दिन के ऊपर राजी हो रही हैं। बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन आपको तो माना गया ना, वो शायद उनकी मानी नहीं जा रही तो इसलिए वो रो रही हैं। आपको क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है, मनवाने के लिए बड़ा सबर बड़ा हौसला चाहिए, सही। एक दिन में एक पल में, और आपको पता बेबी बनने के बाद
शोहर के हाथ में लगामे होती हैं, कितने भी फने खान औरत हो, कितनी भी अपनी मनमानी करने वाली हो, जब तक उसके शोहर की रजामंदी उसमें शामिल ना हो वो कुछ नहीं कर सकती, किसी भी मैदान में वो तरक्की नहीं कर सकती। इसी तरह वालदेन के घर में वैसे ही लिमिटेशंस होती हैं, वालदेन यही कहते हैं भाई अगले घर जाकर ये भी कर लेना वो भी कर लेना। वहां पर भाई होते हैं, बड़े बाप होता है तो उसकी उसके हुक्म मानने पड़ते हैं और उसमें कुछ बेशुमार फवायद भी होते हैं। तो ये है कि बड़ा पहले दिल जीतने पड़ते हैं, फिर अपना मनमाना पड़ता है, फिर जाके आपको तरक्की की जो रास्ते हैं, जब घर से आपको सुकून होता है, सपोर्ट होती है जी। तो बाहर आप तभी आपको कामयाबी, वही कामयाबी दरअसल कामयाबी है। और अपना अगर सुकून बर्बाद करके कुछ करना है तो उसका कोई फायदा नहीं, जिंदगी तो उतनी ही रहेगी। चाहे मैं जितने बड़े एजाज मुझे मिल जाए, 46 एजाज मिलने के बावजूद मेरा सबसे बड़ा एजाज ये है कि मेरे बच्चे मेरे फरमा बरदार हैं, माशाल्लाह मेरे शोहर को मेरे से कोई शिकायत नहीं। ये देखिए ना, अब मैं वालदेन के घर में तो नहीं रहती ना, वो मैं जैसा भी निभा सकती थी मैंने निभा लिया। अब अगर मेरे ससुराल मेरा शोहर मेरे से खुश है, मेरे मिलने वाले दोस्त अहबाब जो है वो मेरे से प्यार करते हैं और दो चार लम्हे मुझे मिल जाते हैं अल्लाह के आगे भी सजदा रेज होने के लिए, तो इससे बेहतर तो मुझे, मैं नहीं समझती कोई और भी नेमत होती है दुनिया में। सही, बहुत अच्छी बात की आपने। तो कलाम सुनते हैं आपका। जी, पहले अल्लाह सुबहानहु ताला के हुजूर दो शेर पेश करूंगी कि जो बोलता भी नहीं और सुनाई देता है, कमाल, बहुत खूब, वो दिल की आंख से अक्सर दिखाई देता है। अरे वाह, जबरदस्त। और किसी को चाहे तो मोहताज ये दो जहां रखे, किसी को चाहे तो पूरी खुदाई देता है। जबरदस्त, बहुत खूब, बेशक बेशक। और दो शेर अल्लाह के महबूब और हम सब के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर के, आप आए मुकम्मल हुई जिंदगी, आप आए जमाना मुकम्मल हुआ, बेशक, और आपका जिक्र जब भी मुसलसल किया आपका ये दीवाना मुकम्मल हुआ। जबरदस्त जबरदस्त, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला कबूल करे। और अगर औरत के हवाले से सुनना है तो वो भी मेरे पास है, कुछ रोमांटिक सुनना है तो वो भी मेरे पास है, जो आपका दिल चाहे, जो आपका दिल चाहे। चलिए मैं थोड़ी मुख्तलिफ सी सुनाती हूँ। वैसे तो औरतों के बारे में मैंने बेइंतहा चीजें लिखी हैं। अच्छा। औरत की, क्योंकि मैं औरत हूँ तो मैं औरत के बारे में तो लिखूंगी जी जी, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से थोड़ा से है वो शार, वो एक नज्म है, वो आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि आज कर जिन्स के बाजार में सस्ती मैं हूँ, कौन जुटलाए ये सच रौनक के हस्ती मैं हूँ। बहुत खूब, वेरी नाइस। मैं करारे रगे जान रूह की मस्ती मैं हूँ। ये सह मिस्री गजल है, नज्म है, तीन तीन मिस्रे है इसमें। अगला बंद है कि सर को सजदे में अगर रखूं जमीन आज करे, वाह जी वाह, चूम लूं जिसकी जबी को वो जबीन आज करे, वाह, और जिसकी आंखों में बसूं खुद वो हसीन आज करे। बहुत खूब, शुक्रिया। और ये आखिरी बंद मुलाजा कीजिए कि हौसले मेरे हैं घरचे के चट्टानों की तरह, वाह वाह, मैं बसा देती हूँ रूहों को दीवानों की तरह। बहुत खूब। मैं हकीकत हूँ मगर हूँ तो फसानों की तरह, वाह जी वाह, कमाल। मैं हकीकत हूँ मगर हूँ तो फसानों की तरह, आज कर जिन्स के बाजार में सस्ती मैं हूँ, कौन जुटलाए ये सच रौन के हस्ती मैं हूँ, मैं करारे रगे जा रूह की मस्ती मैं हूँ। बहुत खूब नगमाना जी, कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश है जी। तो अब क्या कहना चाहेंगी, पैगाम क्या देंगी, इस हवाले से आपने बहुत बातें कर ली, या फिर कोई कलाम ही सुनाएंगी हमें? एक दो चीजें, एक दो बंद हैं जो मैं आपको सुना देती हूँ, कतात हैं कि वो बहुत देर तलक तड़पा है जी, वो बहुत देर तलक तड़पा है आज की जिसने भी आदत की है, और अनसुनी उनकी अगर फितरत है जी, अन कहीं हमने रवायत की है। बहुत खूब, बहुत खूब, नवाजिश, आदाब। और ये बन देखिए कि मैं पिला दो जरा निगाहों से जी, मैं पिला दो जरा निगाहों से, आज गर्दिश में कोई जाम नहीं, और हो तो काजा अगर जो फितरत का, इश्क में बेखुदी हराम नहीं। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत खूब, शुक्रिया। और ये देखिए कि ये फैसला तो हुआ, कश्तियां जलाए कौन,
ये फैसला तो हुआ कश्तियां जलाए कौन, ये फैसला ना हुआ पार कौन उतरेगा। अरे वाह कमाल हो गया ये तो। और शिकायतों ने जन्म ले लिया मोहब्बत में जी, शिकायतों ने जन्म ले लिया मोहब्बत में, मोहब्बतों पे खरा यार कौन उतरेगा। बहुत हो वेरी नाइस, यकीन जानिए बहुत अच्छा। और पहली दफा आपका ये पहलू सुनने को मिल रहा है मुझे खास तौर पे। अच्छा चले आपको पसंद आए, बड़ी नवाजिश है जी आपका बहुत। और एक ये देखिए आपके ऊपर ये लगेगा कि डूब जाती हूँ सरे शाम तसव्वुर में तेरे जी, डूब जाती हूँ सरे शाम तसव्वुर में तेरे, हर सहर नजरे ख्यालात नहीं हो सकती। वाह जी वाह। और काम के वक्त तेरी याद सताती है बहुत, काम के वक्त मुलाकात नहीं हो सकती। वेरी नाइस बहुत खूब, थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया। और आप अचानक कहाँ मिलेंगे हमें जी, आप अचानक कहाँ मिलेंगे हमें, आपके पास तो समय ही नहीं जी, और आपसे क्या कोई शिकायत हो, आप मेरे लिए बने ही नहीं। अरे वाह जी वाह कमाल है जी, बहुत खूबसूरत कमाल है जी सच में। आपको हम शिरकत करने का एक बार फिर जो है ना इनविटेशन देंगे वो अपने जुमेरात के प्रोग्राम में, दिन के प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं वो तो मुकर्रा वक्त पे होगा, वो उसमें सिर्फ आप ही होंगी और कोई नहीं होगा। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, बस बहुत सारी दुआओं के साथ आप पैगाम का कह रही थी जी, मेरा पैगाम यही है मोहब्बत बांटे ये मुफ्त है, मुस्कुरा बांटे मगर मोहब्बत उसको बांटे जिसके जहाँ आपको जायज है जी जी, ना मेरा पैगाम गलत ले लिया जाए कि हम आपसे बांटते फिरे। और मुस्कुराइए, मुस्कुराना भी सदका है, दूसरों को भी दे खुद भी जिए यार, चार दिन की जिंदगानी है। बहुत खूबसूरत मैसेज, तो बस खुश होके जिए जी। और एक शेर के साथ रुखसत चाहूंगी कि अजीब तौर का एक ज़र्फ मैंने पाया है जी, अजीब तौर का एक ज़र्फ मैंने पाया है, मैं दुश्मनों की मोहब्बत भी पाल सकती हूँ। अरे वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, यही मेरा पैगाम है, खुश रहें सलामत रहें। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू नवाना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, ये थी नगमाना जी, नगमाना शेख, नगमाना कमल शेख साहिबा, और आप शायरा हैं, और जिस तरह की आपने उनकी गुफ्तगू को सुना, शायरी सुनी, थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग था, यकीनन आपने पसंद किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। और हम देख रहे हैं कि टाइम जो भागता जा रहा है, तो इसलिए ये कुछ मैसेजेस हैं हमारे पास जो हमारी बहनों ने दी हैं, हमारे सुनने वाली तमाम जो खवातीन हैं उनके लिए। तो आज का प्रोग्राम क्योंकि इसी तरह तरतीब दिया गया था, तो इसलिए अब आप सुनेंगे पैगामात जो हमारी कुछ खवातीन ने दिए। एक तो हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उन्हें आप बहुत सारे ड्रामों में देखते हैं, सबिया हाशमी साहिबा, खूबसूरत सा इनका पैगाम हम लेंगे। लेकिन आपने इनको फितरत और नंद जलन और अभी अभी आप देख रहे हैं तमन्ना में बीबी जान का रोल अदा कर रही हैं, तो इनका पैगाम लेते हैं, यकीनन आप पसंद करेंगे। हुकमत सलाम सूफिया, मैं पिछले 30 साल से वर्किंग वुमेन हूँ। पहले मैं पढ़ाती थी, उसके बाद मुझे टीवी पर काम करने का मौका मिला, फिर ज़ाहिर है कि टीवी पे तुमको अंदाज़ा होगा कि मसरूफियत के बाद बिल्कुल मतलब घर के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मुझे अपनी टीचिंग लाइन छोड़ना पड़ी और टीवी में आ गई। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मेरी जो मैं आज हूँ वो अल्लाह की मेहरबानी के बाद मेरे मियाँ की सपोर्ट, मेरे बच्चों की सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि औरत कमज़ोर है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं पिछले 30 साल से काम कर रही हूँ और अल्लाह ताला ने आज भी मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं बराबरी से काम कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा इनका मैसेज था जो हमने सुना सबिया हाशमी साहिबा का। बेशक आप जब तक घर से सपोर्ट ना हो, कोई भी खातून मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हो सकती। और ज़िंदगी की असल कामयाबी यही है कि जब आपके साथ आपका मुहाफिज खड़ा हो, और मुहाफिज कौन होता है, बाप होता है, भाई होता है, फिर आगे चल के आपके जो अगर शादी होती है तो हस्बैंड होता है या फिर बेटा होता है। तो ये जो मुहाफिज हैं, ये अगर आपके साथ साथ चलते हैं दुनिया की हर दौर में, आप फिर कामयाब ही कामयाब हैं। और बहुत शुक्रिया सभी हाशमी साहिबा का खूबसूरत सा पैगाम हमें सुनने को मिला। तो नेक्स्ट भी हम आपके लिए इसी तरह कुछ पैगामात शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से गीत को भी शामिल कर लेते हैं।
ऐसा करते हैं कि एक और पैगाम ले लेते हैं कराची से ही, इनको सुनिए और फिर हम आपको बताते हैं, ये खुद ही बताएंगे इतने प्यारे से अंदाज से कि हम कौन हैं। इट्स वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, रुबाब रूबी हेयर फ्रॉम कराची पाकिस्तान। इंटरनेशनल वुमेंस डे आज है और हम हमारी इनोसेंट गर्ल्स के लिए अपनी पोइट्री, अपने दिल की बात आप सबसे शेयर करने आए हैं। उन्वान है नास कमाले जब्त पर। आपकी लाइफ में कोई अजनबी आए तो बिना सोचे झट से दिल का दरवाज़ा खोल देते हो, है ना? तो फिर सुनाओ। अर्ज़ किया है पाक मोहब्बत को गुनहगार न करना, चाहत का तुम इजहार न करना, कमाले जब्त पे नाज मुसलसल रखना, अपने जब्त को नाकाम होने न देना। माना है दिलकश अच्छी सूरत, मगर तुम सीरत पे जाना, तुम आवारा बादलों से कभी प्यार ना करना। इनकी रुदादे सितम आम हुई जाती है, आबरू मोहब्बत की नीलाम ना करना, मासूम हसरतों को अश्कों में बहाना देना, सोए हुए मासूम अरमानों को बेदार न करना। फेर लेते हैं ये नजर मुश्किल घड़ी, तुम इनसे उम्मीदें जोड़े ना रखना, कश्ती जिंदगी भंवर में डूबने न देना, शाम से पहले शाम होने न देना। इनोसेंट प्रीटी गर्ल्स रुबाब रूबी का ये मोटिवेटेड मैसेज पोइट्री के थ्रू आप सबके लिए है। अपना बहुत ख्याल रखना, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुबाब रूबी जी का, कराची पाकिस्तान से हमें मैसेज पहुंचाया उन्होंने अपनी नज़म के थ्रू, और मोटिवेशनल नज़म थी उनकी इनोसेंट लेडीज़ के लिए, और यकीनन बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज था आपने सुना। यकीनन हमारी ख़वातीन ने भी पसंद किया होगा, जितनी भी ख़वातीन हैं उन सबको डेडिकेट करते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। नेक्स्ट जो है हमारी मियाँ वाली की शायरा हैं, और इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं, बहुत ही, और बापर्दा। सबसे बड़ी बात यह है कि बापर्दा रह के आप इतना खूबसूरत कलाम लिखती हैं, इतने लोग इनको पसंद करते हैं, हर उम्र के लोग इनको पसंद करते हैं। बिल्किज़ खान जी, बिल्किज़ खान जी को कौन नहीं जानता, आइए इनका पैगाम लेते हैं खूबसूरत सा और इनकी शायरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किज़ खान मियांवाली पाकिस्तान से। हमारी बहुत प्यारी दोस्त सोफिया यासीन एक प्रोग्राम करती हैं दिल से सनराइज से, तो आज उन्होंने 8 मार्च के हवाले से जो प्रोग्राम करने जा रही हैं, उन्होंने मुझे भी इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया है। तो चूँकि ख़वातीन आलमी डे है, ख़वातीन के हकूक़ का दिन है, तो इस हवाले से मैं, मेरा एक शेर है कि मेरे ख़मीर में तस्लीम रखने वाले रब, तो क्या मैं हक़ के लिए ज़िद भी कर नहीं सकती। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए जो सबसे पहली बात है वो है ख़वातीन का, औरत का तालीम हासिल करना। तालीम याफ्ता जो औरत है वो पूरा माशरा, एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकती है। ख़वातीन इस दिन ये करती हैं कि अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे बाहर निकलती हैं या पोस्टर लेके निकलती हैं, तो मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, हर किसी की अपनी राय है। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन ज़रूर अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करें,
जो उनके राइट्स हैं उनके लिए ज़रूर वो बोलें, लेकिन जो हदूद इस्लाम ने और कुरान ने औरत को दी हैं उन हदूद से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि हम मशरकी औरतें हैं और हमने मगरिब की तालीमात पे अमल नहीं करना, हमने मशरकी औरत होके अपने हकूक़ के लिए जंग लड़नी है। तो अपने राइट हकूक़ के लिए आप ज़रूर जंग लड़ें। तो इस हवाले से कुछ अशार भी मैं पेश करूँगी कि घर में जब बेटियाँ नहीं होंगी पेड़ पर टहनियाँ नहीं होंगी, मैं के दौरे जदीद की लड़की पाँव में बेड़ियाँ नहीं होंगी, या कलम टूट जाएगा बिल्कीस या मेरी उंगलियाँ नहीं होंगी। इसी तरह कुछ और अशार हैं कि ये दुनिया है तमाशा गाह लड़की, भरो मत ऐसे ठंडी आह लड़की, जो रास्ता शहरे रुसवाई को जाए नहीं अच्छी वो रस्मों राह लड़की, उदासी रत जगे तन्हाई आंसू कई साथी तरे हमराह लड़की, सुनो अंधा यकीन वो रहनुमा है, सुनो अंधा यकीन वो रहनुमा है, सदा करता है जो गुमराह लड़की, जो रास्ता शहरे रुसवाई को जाए नहीं अच्छी वो रस्मों राह लड़की। और एक और शेर भी है कि मुझे मिली है मेरे घर से काफ़ी आज़ादी, मगर ये मेरी हजा मेरी अपनी ही हद है, तो यानी हाथ उठाएगा आपके तू मुझ पर, तो यानी गिरने की तेरी जो आखिरी हद है, तो यानी हाथ उठाएगा आपके तू मुझ पर, तो यानी गिरने की तेरी जो आखिरी हद है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम था बिल्कीस खान साहिबा का, और यकीनन पैगाम भी बहुत अच्छा, कलाम भी बहुत ज़बरदस्त, और इसी के साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच बिल्कीस खान जी आपका, और साथ साथ अब एक और प्यारी सी आवाज़ अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और ये खूबसूरत सी आवाज़ हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है, हादिया खान। हादिया हमारे दिल से प्रोग्राम में ऑलरेडी हमने इनका इंटरव्यू भी लिया है सनराइज़ रेडियो पर, और क्या खूबसूरत शायरी होती है इनकी, और साथ साथ आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, आप सुनिए इनका पैगाम क्या कहता है। यही दुनिया जिसे औरत ने बनाई जन्नत, यही दुनिया जिसे औरत ने बनाई जन्नत, यही दुनिया इसे बाजार दिया चाहती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्मा हादिया लाहौर पाकिस्तान से। आज ख़वातीन के आलमी दिन पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में मर्द और औरत दोनों काबिल एहतराम हैं, कि औरत जो है ये एक ख़ुद मुकम्मल हया का नाम है तमाम रिश्तों का, यानी कि जितने भी मुकद्दस रिश्ते हैं उनका नाम है, सिमा बहन बेटी बीवी। तो हम सबको इज़्ज़त करनी भी चाहिए और दूसरों से इज़्ज़त करवानी भी चाहिए, कमल तहफ़ एहतराम के साथ जायज़ हकूक़ पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। तो आज ख़वातीन के इस मौके पर मैं तमाम खाम ख़वातीन के नाम अपना एक कलाम पेश करना चाहूँगी। मैंने हर बार नए दर्द की हिजरत काटी, मैंने हर बार नए दर्द की हिजरत काटी, हौसले पाँव से बांधे तो मसाफत काटी, हौसले पाँव से बांधे तो मसाफत काटी, ऐसा माहिर था हकीकत में मेरा संग तराश, ऐसा माहिर था हकीकत में मेरा संग तराश, एक पत्थर ने मेरे जज्बों की शिद्दत काटी। जिस तरह काटे कोई कैद को अपने घर में, जिस तरह काटे कोई कैद को अपने घर में, इस तरह हमने तेरे हिजर की मुद्दत काटी, इस तरह हमने तेरे हिजर की मुद्दत काटी, हमने हर लम्हा तेरी याद को दिल में रखा, हमने हर लम्हा तेरी याद को दिल में रखा, हमने हर सांस की डोरी की अजियत काटी, हमने हर सांस की डोरी की अजियत काटी, खुद को भी अपना किसी मोड़ पे होने ना दिया,
खुद को भी अपना किसी मोड़ पे होने न दिया, हमने यूं अपनी नज़र में भी हकारत काटी, हमने यूं अपनी नज़र में भी हकारत काटी। मैंने हर वक्त अदा शुक्र किया है रब का, मैंने हर वक्त अदा शुक्र किया है रब का। मेरे हिस्से में जो आई वो मुसीबत काटी, मेरे हिस्से में जो आई वो मुसीबत काटी। हौसले पाँव से बांधे तो मुसाफत काटी, मैंने हर बार नए दर्द की हिजरत काटी। तमाम ख्वातीन को मेरी तरफ से आज का दिन बहुत मुबारक, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बहुत बहुत शुक्रिया इस्मा हादिया खान साहिबा का, क्या खूबसूरत कलाम था उनका और बहुत ही प्यारा सा पैगाम भी था। और ये थी इस्मा हादिया जी, आपने यकीनन इनके कलाम को भी पसंद किया होगा। साथ साथ अब हम सुनते हैं, बहुत ही मोहतरमा शायरा हैं हमारी और कितनी किताबें लिख चुकी हैं, इंटरव्यू भी हमें इनका करने की शहादत हासिल हो चुकी है लाइफ में। नाहिद अजमी साहिबा बहुत ही खूबसूरत लिखती भी हैं और बोलती भी हैं, बहुत ही प्यारा सा लहजा है इनका और कलाम भी यकीनन आपको पसंद आने वाला है। आइए सुनते हैं नाहिद अजमी साहिबा का खूबसूरत सा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद अजमी पाकिस्तान से। औरत के आलमी दिन के हवाले से हमारी दोस्त सूफिया यासीन ने हमें पैगाम देने के लिए कहा है, तो मैं ये कहूँगी कि औरत के आलमी दिन से के हवाले से ये मुराद हरगिज़ नहीं कि हम मादर पितर आज़ादी हमें चाहिए, नहीं बल्कि हमें अपनी हदूद का इल्म होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ हमें हक़ नहीं लेना बल्कि हम पर जो फ़राइज़ हैं हमें उनको भी अदा करना है। और अगर मैं ये कहूँ कि इसकी इब्तिदा हम अपने घर से करें कि हम लड़कियों के साथ साथ अपने बेटों को एजुकेट करें कि आपके पास या आपकी बीवी बनकर आने वाली औरत जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रही है, तो सबसे पहले तो आप उसकी इज़्ज़त उसका एहतराम करें। और जब हम ये एजुकेट करेंगे तो मुझे यकीन है अगर हर औरत अपने बेटे को एजुकेट करती है कि वो औरत जो आपके लिए अपना घर बार छोड़कर आ रही है उसको आपने एहतराम देना है, तो माशा खुद ब खुद औरत की इज्जत करेगा। इसके साथ साथ हमें अपनी बेटियों की भी ये तरबियत करनी चाहिए कि आपको माशरे में एक बावकार मकाम हासिल करना है। मादर पितर आज़ादी हासिल करने वाली ख्वातीन पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती हैं और उनका एहतराम नहीं होता। इस पैगाम के साथ ही मैं अपनी एक नज़्म जो औरत ही के हवाले से है उसे पेश करूंगी। उसका उनवान है हमेशा दो रुखी रहना। मतलब आप देखें इसमें ख्वातीन को क्या दर्स दिया गया है, हमेशा दो रुखी रहना, निगाहों के समंदर को हमेशा ढांप कर रखना कि इसको लोग पढ़ते हैं। निगाहों के समंदर को हमेशा ढांप कर रखना कि इसको लोग पढ़ते हैं, लबों को भींच कर रखना कि शिकवे और शिकायत का कोई मौसम नहीं होता। ये जो दिल है बहुत ही खूबसूरत है मगर उलझा हुआ दिल है, बहुत आज़ार परवरदा यहीं सावन बरसता है, इसी में रोग पलते हैं। तुम अपने दिल की तख्ती को हमेशा अनलिखा रखना, तुम अपने दिल की तख्ती को हमेशा अनलिखा रखना, किसी भी बदगुमा मौसम की दो सतरें भी मत लिखना। तुम अपने दिल की तख्ती को हमेशा अनलिखा रखना, किसी भी बदगुमा मौसम की दो सतरें भी मत लिखना। कभी तुम अनकहे सपनों को ताबीरें बना लेना, कभी तुम आईना रखना फिर उससे गुफ्तगू करना। सदा शादाब ही रहना कभी गमगीन न हो जाना, सदा शादाब ही रहना कभी गमगीन न हो जाना। यहाँ कोई नहीं है जो पढ़ाकर हाथ की पोरें तुम्हारे अश्क पूछेगा, यहाँ कोई नहीं है जो बढ़ाकर हाथ की पोरें तुम्हारे अश्क पूछेगा। यहाँ सबकी निगाहें बद तुम्हें घायल ही कर देगी, ये दुनिया है गिद्धों की बादशाहत है,
ये दुनिया है गिद्धों की बादशाहत है, तुम्हें जो नोच फेंकेंगे हिरासा हो नहीं जाना, हिरासा हो नहीं जाना, बहुत ही दिल नशीं होकर बहुत अनजान हो जाना, हमेशा दो रुखी रहना, सुनो तुम दो रुखी रहना। आखिर में मैं सूफिया यासीन के साथ मतलब सूफिया यासीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप तक अपना पैगाम और अपनी नज़्म पहुँचाऊँ, और आप सबका शुक्रिया कि आप सूफिया यासीन का प्रोग्राम सुन रहे हैं दिल से सनराइज़ रेडियो पर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद अज़मी जी, आपका बहुत ही बेहतरीन मैसेज था इनका, और साथ साथ कलाम भी बहुत प्यारा, ज़बरदस्त कलाम। और अगर ये दिन के टाइम पे प्रोग्राम होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला था, लेकिन मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ इन तमाम ख़वातीन की जिन्होंने वक्त निकाला अपने मसरूफ़ ज़िंदगी में से, मेरे लिए टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए, और उसमें अपने कलाम और पैगाम दिए। मैं उन सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही जिस तरह इनका नाम है इस तरह ही की ही इनकी शख्सियत है शगुफ्ता शफीक साहिबा, इनका कलाम और इनका पैगाम सुनते हैं। अलैकुम आदाब, मेरा नाम शगुफ्ता शफीक है, चार कुतुब की खालिक हूँ, बचपन से सुखनवरी का शौक़ है, लिखती हूँ पढ़ती हूँ और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। पैगाम ख्वातीन के आलमी डे पे मेरा ये है कि जियो और जीने दो, खुश रहें और खुश रखें, और ख्वातीन के हुकूक़ को कोई गज़ब करने का सोचे भी ना, ख्वातीन सबका ख्याल रखती हैं, आप सब ख्वातीन का ख्याल रखें। और एक मैं अपनी नज़्म शेयर करूँगी कि इस नज़्म का उन्वान है मोहब्बत की अलामत हूँ, ये मेरी आने वाली किताब का नाम भी है, और ये कि उसी में से आपको मैं ये नज़्म पेश कर रही हूँ, तो समाज फरमाइए। वफा के सिलसिले मुझसे, वफा के सिलसिले मुझसे मोहब्बत की अलामत हूँ, वफा के सिलसिले मुझसे मोहब्बत की अलामत हूँ, कहीं मैं कांच का पैकर कहीं फौलाद जैसी हूँ, वफा के सिलसिले मुझसे मोहब्बत की अलामत हूँ, कहीं मैं कांच का पैकर कहीं फौलाद जैसी हूँ, किसी भी रूप में देखो मैं माँ हूँ बहन और बेटी, तुम्हारे दिल की रानी हूँ, तुम्हारी सब थकन अपने मैं दामन में समोती हूँ, मैं अपने दिल के ज़ख्मों को छुपा के हंसती रहती हूँ, अंधेरे रास्तों में रोशनी बन के चलती हूँ, सभी रास्ते रहें रोशन सभी राहें मुनव्वर हों, भले उनमें ही अपना खून दिल मुझको जलाना हो, भले जाए ही अपनी जान, भले जाए ही अपनी जान। तो जनाब आप सुन रहे थे नज़्म, और मैं हूँ शगुफ्ता शफीक पाकिस्तान कराची से। बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं सूफिया यासीन का प्रोग्राम दिल से सनराइज रेडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सनराइज रेडियो पे आप सुन रहे हैं दिल से सूफिया यासीन के साथ, और ये थी हमारी बहुत ही मोहतरमा बहुत ही प्यारी सी शख्सियत शगुफ्ता शफीक साहिबा। आपने जिस तरह के बताया अभी चार किताबें लिख चुकी हैं माशाल्लाह से, और शेर व शायरी से शगफ है इनको, बहुत प्यारा बोलती हैं बहुत प्यारा लिखती हैं, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले सईदा अंबर जिलानी साहिबा ने हमारा साथ निभाया हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी पाकिस्तान से, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तनवीर अख्तर जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, साथ ही साथ सभी खान टोरंटो से हमारे साथ शामिल रही हैं, शाज जी आपका बहुत शुक्रिया आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल रही, शहनाज रहमत साहिबा का हमें पैगाम मिला इंडिया से कोलकाता से, तो उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। समीना रहमत साहिबा ने आप हमारे प्रोग्राम में आके चार चांद लगाए लंदन से, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ इशरत मुइन साहिबा ने हमें जर्मनी से मैसेज दिया और उनका खूबसूरत सा पैगाम हमें मिला, यकीनन आपने भी पसंद किया उनकी शायरी को भी और कलाम को भी पैगाम को भी। सबिया हाशमी साहिबा का बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम हमें पाकिस्तान से मिला, आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं, और इसके अलावा नगमाना कमल शेख साहिबा बहुत ही खूबसूरत सा उनके साथ हमारा रहा मुकालमा बातचीत रही, यकीनन आपने पसंद की, उनका कलाम भी क्या खूबसूरत था, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और रुबाब रूबी साहिबा ने हमें पैगाम दिया कराची पाकिस्तान से, बिल्किस खान साहिबा मियाँ वाली का बहुत बड़ा नाम है, आप शायरा हैं लिखती हैं बहुत खूबसूरत और साथ साथ जॉब भी करती हैं, लेकिन इनको इनका कमाल यह है कि ये हमेशा बापरदा रहती हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी इन्होंने इस माशरे में अपने आप को मुनवाया है, यानी कि आप बापरदा हो के भी
अपना हदूद में रह के इसे कहते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं, जो एक जायज़ ख्वाहिशात होती हैं या जितनी लिमिट आपकी, आप उस लिमिट को जानती हैं। तो ख्वातीन को अगर ये क्या है कि सपोर्ट हासिल है अपने घर वालों से, फैमिली से, तो कोई भी उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस्मा हादिया साहिबा का हमने बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम लिया और साथ साथ उनकी जो शायरी थी बहुत प्यारी सी उनकी आवाज़ में हमें सुनने को मिली, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाहिद अज़मी जी हमारी बहुत ही मोहतरमा हैं और बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखती हैं उर्दू अदब से, जो जिन लोगों को मोहब्बत है वो उनसे मोहब्बत करती हैं। तो नाहिद अज़मी साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ही प्यारा सा मैसेज था सनराइज रेडियो को सुनने वालों के लिए, स्पेशली हमारी ख़वातीन के लिए था। और आखिर में हमारी शगुफ्ता शफीक साहिबा ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज का प्रोग्राम हमने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की कि हर साल की तरह अगर एक ही चीज़ एक ही तरह से होने लगे तो हम खुद बोर हो जाते हैं, तो आपका तो क्या हाल होगा। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा मुख्तलिफ किया जाए। तो आलमी योम ख़वातीन बैनुल-अक़वामी सतह पे 8 मार्च को मनाया जाता है और इसका मकसद जो ख़वातीन के हकूक़ और उनकी अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता है उसको रोकथाम करने के लिए इकदामात करने के लिए तरगीब दी जाती है। तो ये योम ख़वातीन के पस मंज़र को अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि अमेरिका में ख़वातीन ने अपनी तनख्वाह के मसाइल के मुतल्लिक एहतजाज किया, लेकिन उनके पास उनके इस एहतजाज को घुड़सवार दस्तों के ज़रिए कुचल दिया गया। फिर 1908 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए वुमेन नेशनल कमीशन बनाया और इस तरह बड़ी जिद्दोजहद के बाद फरवरी की आखिरी तारीख को ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। आलमी योम ख़वातीन सबसे पहले 28 फरवरी को 1909 में अमेरिका में मनाया गया। पहली आलमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपनहेगन में मुनक़द की गई। 8 मार्च 1913 को यूरोप भर में ख़वातीन ने रैलियाँ निकाली और प्रोग्राम मुनक़द किए और अब सालों से 8 मार्च को आलमी सतह पर योम ख़वातीन मनाया जाता है। और इसी सिलसिले की कड़ी सनराइज रेडियो पे हर साल आप समात फरमाते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स, हमारी ख़वातीन जो साथी प्रेजेंटर्स हैं दिन भर में, वो आपकी खिदमत में हाजिर रहीं। उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आपके लिए पेश किया। यकीनन आपने उनका साथ दिया, पसंद किए प्रोग्राम। और आज क्योंकि हमारा प्रोग्राम होता ही इस टाइम पे है 8 से 11, और आज हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप यकीनन अपनी फीडबैक ज़रूर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैंने आपसे इजाज़त चाहनी है। आज के प्रोग्राम में जितनी भी हमारी बहनें शामिल हुई, अगर उनसे कोई गलती कोताही हो गई हो या मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो, तो हमेशा की तरह मैं माजत खा हूँ आप सबसे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने साथ निभाया मोहब्बत प्यार और खलूस के साथ साथ। आंटी नसरीन जी, आपने प्रोग्राम सुना, आपने पसंद किया, और तमाम सनराइज रेडियो के लिसनर्स को और सनराइज रेडियो को आप मुबारकबाद पेश करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने के लिए भी शुक्रिया। शाह जी, आपने पूरा प्रोग्राम सुना और आपने हौसला अफजाई की, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमेशा अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जुमेरात को आपसे मुलाकात होगी दिल से प्रोग्राम में अगेन। आप तमाम सुनने वालों का शुक्रिया मेरा आपका हम सबका लामी नासिर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।